गुड मॉर्निंग। आज की गुड मॉर्निंग फिर से काफ़ी लेट, नहीं कैमरा काफ़ी लेट ओपन किया है, बट गुड मॉर्निंग। शायद 10:30 हो गई थी। वही हाल है, आंखें फूकती चली जा रही हैं, वीडियो चला चला के, टीवी देख देख के, पता नहीं कौन से नंबर तक पहुंच गई है। आज तो खैर मैडम ने मेरा विजिट प्लान किया हुआ है फिजियोथेरेपी का, तो वहाँ जाना है। कितने बजे जाना है दिया? 4 बजे पहुँचना है। 3 बजे निकलना पड़ेगा? कितनी दूर है हमारे घर से? 3:30 निकलना पड़ेगा। वहाँ पहुँचने के बाद भी कौन सा नंबर आ जाता है? पर फिर भी पहुँचना तो पड़ता है। हाँ वही 3:30 तक निकलना पड़ेगा। तो अभी बस चाय वाय पी के और थोड़ी देर और मेस मार के मैंने सोचा आज वीडियो तो ऑन ही नहीं किया, गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग नहीं किया। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं, जी रहे हैं ज़िंदगी जैसे दिन दिखा रही है, देख रहे हैं। कल की जो रेमेडी थी उसकी वजह से बालों में काफ़ी स्मूथनेस है, मतलब बाल काफ़ी स्मूथ है। और एक ना पता नहीं जो ग्रे थे ना मेरे, उस पर भी थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे सारे ग्रे थे मेरे बाल, आपको दिख रहा होगा, इक्का दुक्का अभी भी कोई होगा, बट काफ़ी हद तक उस पर कॉफ़ी का कलर आ गया है। तो एक तरह से ये बालों के लिए वैसे भी अच्छी है और कलर भी हो रहा है, तो डबल बेनिफिट मिलने वाला है मुझे लग रहा है। देखते हैं, वैसे तो 2 से 3 महीने का प्रोसेस है, उसके बाद ही असली रिजल्ट पता चलेगा मेरे ना। एक्चुअली ये कहते हैं ना कि बीच के बाल जो हैं वो जो मांग का साइज़ है वो बढ़ गया है, तो गैप ज़्यादा आ गया बालों के बीच में, तो मुझे लग रहा है शायद इसकी वजह से वो भी ठीक हो जाए। देखते हैं, जो भी रिज़ल्ट होगा डे बाय डे आपके सामने आएगा ही, बट ये रेगुलर करना है मुझे, हर बार शैम्पू के अंदर मुझे कॉफ़ी ऐड करनी ही है, तभी शैम्पू होगा। और अगर मैंने बिना कॉफ़ी के शैम्पू किया तो मुझे लग रहा है जो ग्रे के ऊपर ब्राउन कलर आया ना कॉफ़ी का, वो उड़ जाएगा, फिर दोबारा से मेहनत शुरू हो जाएगी। बट हाँ, मैं ट्राई करूँगी। और मुझे ये किसने बताया है मैं आपको बता देती हूँ, ये मैडम ने ए मैडम कैमरा था एक्चुअली, इसने भी कहीं देखा था तो इसने अपने बालों पर ट्राई किया था। दिखाइए बाल, दिया ये देखिए, ये देखिए इसके बाल, ग्रिप देखिए इसके बालों की। और ऐसा नहीं है कि इसके बाल बहुत अच्छे थे बचपन से, इसके बाल बहुत हल्के थे, शुरू से बहुत हल्के थे। और मैंने इसको कम से कम नहीं तो 4-5 बार गंजा कराया था छोटे होते कि इसके बाल ठीक हो जाए। अगर हो सका तो मैं इसकी कोई बचपन की फ़ोटो डालूंगी, दिखाऊंगी यहाँ पे कि इसके बाल कितने हल्के थे, मतलब बिल्कुल स्कैल्प दिखती थी, इतने हल्के बाल थे। और अब इसकी खुद की मेहनत से इसके बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। दिखा रही थी, मैंने कैमरा हटा दिया, देखिए बालों में एक स्मूथनेस भी है, बाल थिक भी हो गए हैं, हैवी हो गए हैं बाल। तो इम्यूनिटी तो देखिए अच्छी होनी ही चाहिए, खाना पीना तो अच्छा होना ही चाहिए, बट साथ साथ ना थोड़ा सा हमें बालों पर मेहनत भी कर लेनी चाहिए, जो कि अगर किसी से सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए। तो मुझे इसने इस चीज़ के बारे में बताया कि मैंने एक्चुअली जनरली इसके बालों को हाथ लगाया, मैंने कहा दिया तेरे बाल हैवी कैसे लग रहे हैं, तब इसने मुझे बताया कि मम्मी जब मैं कॉफ़ी लगाती हूँ, नहीं तो मैं इरिटेट होती थी कि बिना मतलब का एक खर्चा बढ़ा रही है, शैम्पू तो महंगा लो ही, उसके अंदर कॉफ़ी अलग से डाल के लगाओ, तो मैं इसे गुस्सा करती थी, कॉफ़ी पीने के लिए है कि तुम्हारे शैम्पू के लिए है। बट इसका रिजल्ट देख के मुझे लगा कि चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मेरे ना मोनोपोज है, तो मोनोपोज में क्या बोलते हैं उसको भैया, हार्मोन्स काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं, या मतलब कुछ चेंजेस होते हैं हार्मोन्स में, तो उसकी वजह से, तो मुझे लगा कि शायद इसी वजह से मेरे बाल बढ़ रहे हैं। अदरवाइज मेरे बाल कभी शोल्डर और मतलब बैक हल्का सा शोल्डर से नीचे बस इतने ही लंबे होते थे, इससे आगे बढ़ते ही नहीं थे, फिर मैं कटवा के आती थी, फिर उतने ही हो जाते थे, फिर रुक जाते थे। बट अब मेरे बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं, बैक कमर जो है लोअर कमर के पोर्शन तक आ चुके हैं, बट बहुत ही पतली सी डंडी है, इतनी सी डंडी चुई सी आ रही है पीछे बस, तो वो मज़ा नहीं आ रहा लंबे बालों का। तो थिकनेस होगी बालों में तो मज़ा आएगा ना, छोटी मोटी बने मोटी सी बढ़िया सी। तो देखते हैं रिजल्ट, होपफुली अच्छा आएगा, क्रॉस फिंगर्स। अभी कुछ नहीं किया है इसने, बस अपने लिए नाश्ता बनाया था, ये खा चुकी है, समृद्ध ने राजमा चावल खा लिए हैं और इसने शायद पराठी भी दी थी उसे पराठी भी खाई है। मेरा तो रूटीन आपको पता ही है, मैं इतनी जल्दी कुछ खाती नहीं हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास 2 सब्जियाँ पड़ी हैं, अरबी पड़ी है और बीन्स पड़ी है, क्या बनाऊँ? अरबी बनाऊँ? बैटरी गई, चलिए बैटरी जा रही है, पहले इसको चार्जिंग पे लगाऊँ, अरबी बनाती हूँ। चलिए जी, पहुँच चुकी हूँ मैं अपने ठिकाने पर, बाहर से कपड़े उतार लिए हैं, थोड़े से घूमन मैंने धोने के लिए मशीन लगा दी है, और अब मैंने अरबी के लिए फ्रिज खोला तो फ्रिज में बहुत स्मेल थी देखा, तो जो ये पुदीना मैंने मंगवाया था देखिए थोड़ा सड़ गया है, तो ये भी करना ज़रूरी है। तो मैंने धनिया पुदीना भी निकाल लिया है, तो अरबी काटूंगी, अरबी चढ़ाऊंगी, फिर साथ के साथ ही धनिया पुदीना तोड़ के चटनी भी बना दूंगी। जबकि
आई थिंक प्याज भी नहीं है तो मुझे प्याज भी मंगाने पड़ेंगे। तो चलिए पहले मैं प्याज का ऑर्डर कर लूँ ब्लिंकिट से, क्योंकि अब कोई सब्जी वाला तो आएगा नहीं। तो चलिए मैं पहले ये कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। कर दिया ऑर्डर। भैया कई बार ना इतना दिल दुखता है, इतना दिल दुखता है। 400 रुपये की मात्र मात्र 2 से 3 सब्जी, क्या कर सकते हैं, खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते। और अरबी ना 2-3 तरीके से बनाई जाती है। मैं बनाती हूँ फ्राई करके, मेरी ये मम्मी वाला तरीका, वही सबको पसंद है यहाँ पे, बच्चों को भी और इनको भी। और मेरी मदर इन लॉ बनाती थी, वो मोस्टली ग्रेवी वाली बनाती थी, तो वो मैंने शायद 1-2 बार ही बनाई है, उनके लिए ही बनाई है, पापा और उनके लिए। बट वो ये भी नहीं खाते और बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खाते ग्रेवी वाली। और इसी अरबी को 2 तरीके से काटा जाता है, एक तो लंबे स्ट्रिप्स में, लंबी लंबी जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं वैसे लंबी लंबी, और एक गोल गोल काट के, पतली पतली गोल गोल। तो मैं लंबी लंबी ही काट रही हूँ क्योंकि वो सफिशेंट रहती है, गोल गोल वाली ना पता ही नहीं चलता कौन सी, वो देखने में भी अच्छी लगती है। और ये जितनी लंबी लंबी अरबी आई है ना इस बार, तो अच्छी लगेगी, बनेगी अच्छी। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए कैसे छिलती हूँ। नोज़ी आ गया। आ गया पानी, अभी दोनों बॉटल काट ली अरबी। अब ये देखिए सारी काट ली। अब इसको ना 2-3 बार मैं अच्छे से पानी से वॉश करूँगी, तो ये जितना चिकनापन है ना इसका और जो कचरा इसमें आ गया पानी में, वो अच्छे से निकाल दूँगी मैं, उसके बाद इसको स्ट्राइप में काटूँगी। चलिए तो काट लिया हमने, तो हम एक बार फिर से इसको पूरे को अच्छे से, क्योंकि पानी में चिकना हाट है, तो इसको अच्छे से खूब सारे पानी में से निकालेंगे। आइए, ये अब मैंने अच्छे से, जब तक वाइट पानी आ रहा था मैंने तब तक उसको धोया है, अब प्लेन पानी आया था तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैं काटने जा रही हूँ प्याज, जो कि मेरे पास मैंने आपको बताया था ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने ब्लिंकिट किया था। तो चलिए ब्लिंकिट भी आ चुका है, पहले पानी आया फिर ब्लिंकिट से सामान आया। चलिए निकालें। ये तो है धनिया जो मैंने और मंगवाया है, और टमाटर आज 17 रुपये के आधा किलो मिले हैं। थोड़ा सा मैंने लहसुन मंगवाया है, क्योंकि जो पहले का लहसुन था वो सारा गल गया था पड़े पड़े, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता ना, कि प्याज थोड़ा गंदा होता है, तो मैं प्याज सीधा अंदर लेके जा रही हूँ। 3 किलो आलू, 2-3 ये 3 पैकेट आलू के, 1-1 किलो के नींबू, हरे हरे नींबू भेज दिए बदतमीज़ों ने, 100 ग्राम अदरक, 1 प्याज का और पैकेट, इसे भी अंदर ले चलते हैं। अब पैकेट काट के यहाँ इस रैक के इस खाने में ये डलते हैं प्याज, तो इसमें डालूँगी, और थोड़े से प्याज मुझे अरबी के लिए भी चाहिए तो वो काटूँगी। चलिए आती हूँ। सब्जी चढ़ा दी है, हल्का सा पानी का छींटा मारा है, ज़्यादा पानी नहीं डलता अरबी में, फ्राई हो चुकी है, अब गलेगी। और साइड बाय साइड मैंने अपना धनिया जो था पड़ा हुआ वो सारा तोड़ लिया है। अब पुदीना साफ़ करने जा रही हूँ, जितना भी निकलेगा इतने ही धनिया में मेरे ख्याल से सफिशेंट हो जाएगा, अब वो धनिया नहीं लेना पड़ेगा मुझे। तो चलिए चटनी की भी तैयारी साथ साथ कर लेती हूँ, लगे हाथ बन जाएगी तो बन जाएगी, नहीं तो फिर कूड़े के ढेर में जाएगी। चलिए पुदीना तो बहुत ही कम है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे पुदीना भी ऑर्डर करना पड़ेगा और दही भी ऑर्डर करना पड़ेगा। अभी मैंने चेक किया है, दही भी नहीं है घर में, और मशीन मेरी हो चुकी है, तो जितनी देर मैं दही और पुदीना ऑर्डर करती हूँ तब तक आई थिंक मशीन का सारा मैं काम निपटा दूँगी, कपड़े सुखा दूँगी। ये वाले कपड़े जो अभी पड़े हैं ये तो अभी धोने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो सूखेंगे तभी दूसरे डलेंगे। तो मैं थोड़ा बहुत बाकी का सामान संभालती हूँ। देखिए कल परसों रात से ये सामान आ रखा है, आटा वहाँ पे मैंने रखा तो वहीं पड़ा है, ये सामान यहाँ रखा है तो यहीं पड़ा है, अब मुझे खुद ही ये सब भी संभालना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, अंदर से ग्लू वाले डब्बे निकालने और उनमें डालना। पर भाई मैंने आपको बताया ना, मैं कितना भी कलप लूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, नहीं करना किसी ने तो नहीं करना।
जेंट्स को ना शुरू से एक परवरिश दी जाती है कि ये घर के काम जो है वो लेडीज़ के काम है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे हस्बैंड के केस में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मम्मी को बहुत अर्ली एज में, जब ये लोग बहुत छोटे छोटे थे दोनों भाई, तो मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और मम्मी का ट्रीटमेंट था, ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो इन दोनों भाइयों ने पूरा घर चलाया, पूरा घर संभाला, डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, सब काम इन दोनों भाइयों ने आपस में मिलकर किए। तो मैं अपने हस्बैंड में तो ये कह ही नहीं सकती कि उनको ये वाली जो क्या कहते हैं सोच भरी जा सकती है, उनको पता है। बट स्टिल एक मेंटली उनके दिमाग में, मेंस के दिमाग में होता है शायद कि घर के काम तो लेडीज़ करेंगी। बट फिर भी यार कभी कभार हेल्प करने में क्या हर्ज है। अब ठीक है, कल उन्होंने खाना बना दिया तो कम से कम घर से खाना तो बन पाया। परसों रात को भी यही हुआ था, मैं सो गई थी ना, बहुत जल्दी नींद आ गई थी क्योंकि पेन किलर खाई हुई थी मैंने, उधर से सिट्रिसिन खा रखी थी और उधर से पेन किलर खा रखी थी, तो नींद के झोंके आ गए जब रात को 3 बजे उठी थी। तो तब इन्होंने क्या किया था कि जो छोले बने हुए थे उसके साथ चावल नहीं बनाए घर में, इन लोगों ने चाउमीन मंगा के खाई है, मुझे कल पता चला। सिर्फ चावल बनाने थे, छोले बनाने थे। इन चीज़ों पर मुझे चिढ़ मचती है कि यार थोड़ा सा ना, अकेले मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना घर संभालना, आपको भी देखना पड़ेगा। अगर आप बच्चों को थोड़ी सी लिवरेज दोगे ना तो वो अपना ही नुकसान है। छोले बने वो तो चलो कोई बात नहीं, वो परसों नहीं रात को बने, वो कल दिन में फिर चावल बने दिन में भी नहीं, रात को 3 बजे दिया ने चावल बनाए थे फिर अपने लिए, क्योंकि उसने चावल निकाल के वो सो रही थी। पूरा घर अपसेट हो रहा था, पूरा घर, क्योंकि इसके रूटीन के चक्कर में मैं नहीं कंसंट्रेट कर पा रही प्रॉपरली घर पे। और अभी जब से ये पेन शुरू हुआ है ये तो बड़ा ही लंबा टाइम है, अब तो मैं खुद थक गई हूँ कि भैया कब ठीक होगा। अब देखो मैं फिर अपनी भड़ास निकालने लग जाती हूँ ना, गुस्सा निकालने लग जाती हूँ, तो भूल जाती हूँ मुझे खुद ही ना बना। चलिए सब्जी देख लेते हैं। देखिए सब्जी, मस्त करारी सब्जी बनी है। इतनी देर अभी ब्लैंकेट से पुदीना और दही वगैरह आता है तो मैं तब तक प्याज और हरी मिर्च काट लेती हूँ जो कि मुझे इसमें चाहिए, तो साथ के साथ वो भी कटा पड़ा होगा। एक्चुअली मेरा चटनी का आधा काम तो तैयार है, तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने। पहले यहाँ पे वाइपर मारूंगी क्योंकि पूरा गीला है और कोई गीले पैर नहीं। ब्लैंकेट आ गया, पुदीना भी तो रखती हूँ, पहले कपड़े सुखाए अपनी उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं। प्याज कट गया, हरी मिर्च कट गई, धनिया पुदीना हो गया और फ्रेश में से भी मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया है, तो ये अब हो गया पूरा। अब लगाएंगे मिक्सी, पहले धनिया को अच्छे से धो लेते हैं। धनिया पुदीना अच्छे से धो लिया है और बस शुरू करते हैं। बन गई चटनी, चलिए अब इसको पलटते हैं। अब 10-15 मिनट आराम करूँगी, उसके बाद नहाने जाऊँगी। कितने बजे जाना है हमें? 4 बजे फिर उठना पड़ेगा। चल बड़ी सवारी, 4 बजे का टाइम था, आज के दिन है का, तो बस अभी निकले हैं, लेट हो गए, थोड़ा सा खाना खाते जाते हैं। अब देखो वहाँ जाके कितना टाइम लगता है, फिर उसने आपको ऑफिस में जाना है, कितना टाइम मिलेगा इसे सोने का, सुबह से सो ही नहीं है। घर के कामों में चलती है साथ गए हम, और आज उन्होंने जो मसाज किया, जो फिजियोथेरेपी का वो किया, तो उसमें उन्होंने बताया कि नाव जो ज़्यादा स्टिफ हो रखी हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उन्होंने बीच में गैप भी लंबा चौड़ा कर दिया है। आवाज़ भी नहीं निकल रही अभी, इतना पेन है मुझे। बस रास्ते में मैडम का मन कर दिया मोमोज खाने का, तो मैडम मोमोज खाने के लिए रुकी हैं यहाँ पे घर के पास में ही, बस एक लेके और खा के और हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि मुझे उन्होंने कम से कम 1 घंटा बेड रेस्ट बोला, कंप्लीट बेड रेस्ट पैर उठे घर के, और काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, सब दिमाग में फिट करनी पड़ेगी। हाँ जी, मैडम तैयार हो चुकी हैं, और अभी अभी इन्होंने एक ऐसी बात बोली जो कि मुझे लगा कि मुझे आपसे भी कंफर्म करनी चाहिए। बताइए क्या बोल रहे थे आप? मैंने नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। जोर से बोलिए। मैंने नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है।
मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लड़कियाँ, कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़की, मैं कहती हूँ जिसके नैन नक्श प्यारे हैं ना वो सुंदर ही लगती है, मेकअप के साथ अच्छी लगती है लड़कियाँ या मेकअप के बिना? मैं इसको हमेशा बोलती हूँ, जैसी तू नेचुरल है, थोड़ा बहुत हाँ कर लिया, हल्का फुल्का काजल लगा लिया, हल्का फुल्का लिपस्टिक लगा ली, अपने आप को नेचुरल रखा। अब ये 2-3 दिन से नेचुरल जा रही है बिल्कुल विदाउट एनी मेकअप, मतलब मेकअप पहले भी नहीं करके जाती, कोई फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाती, सिर्फ ये है कि लाइनर लगा लिया, मस्कारा लगा लिया, ये छोटी मोटी चीज़ें, अब वो भी नहीं कर रही है। तो अब ये और भी प्यारी लग रही है, पर ये ना अब नहीं कर रही है तो मुझे थोड़ी सी रुआसी रुआसी सी लग रही है। दिखाइयो मस्कारा फिर भी लगा रही है, एक सिर्फ लाइनर बंद किया, कह रही है मेकअप बंद कर दिया मैंने। इसने देखो कर क्या रहा है, ये देखो ये कौन सा आसन कर रहा है। दिया मैं रिंडा पी रही थी, छोटी बॉटल इसके हाथ में देख के देखो शुरू हो गया उछलना, और इसने इसको दे दिया, उसने 2 मिनट के अंदर उसका कचुंबर निकाल दिया। चलिए मैडम जा रही है, इनका टिफिन वगैरह मैंने पैक कर दिया है, अभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया, समृद्ध के लिए कुछ नहीं बनाया, पापा आ गए थे तो पापा के लिए भी रोटी बना के रखती है, बस अभी अभी इन दोनों का हुआ है खाना, मैंने कोई बनाया नहीं, अरबी पड़ी थी बस, तो समृद्ध अगर अरबी खाएगा तो अरबी के साथ उसको रोटी बना दूंगी और मैं खाऊंगी खिचड़ी। हाँ जी आ गई मेरी खिचड़ी, मुझे पता नहीं क्यों खिचड़ी बहुत पसंद है, या मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं अपनी 2 रोटी ना बनाने के चक्कर में खिचड़ी खा के खुश हूँ, तो खाना पचाने की जहमत ना हो तो मैं खिचड़ी खा लेती हूँ, क्या हो सकता। कुछ नहीं यार, बस ये होता है कि 2-4 दिन 5 दिन बाद ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया, या कुछ भी रूटीन का खाना खाने के बाद मुझे एक दिन होता है कि हफ्ते में एक दिन या तो फास्टिंग करो, तो फास्टिंग तो मेरी वैसे ही जो आधे दिन की रहती है, जो मैं 4-5 बजे तक भूखी रहती हूँ, तो मेरी फास्टिंग हो ही जाती है ना, तो इसलिए फास्टिंग तो मैं नहीं कर सकती, और फास्ट के नाम पे अगर मैं फास्ट करूँगी सिवाय एक करवा चौथ के और 1 या 2 नवरात्रि के व्रत, बस ये करने के अलावा मैं और कोई व्रत नहीं रख सकती। अगर मुझे कोई बोल दे व्रत रखना है तो मेरा पहले बैंड बज जाता है, पहले बीपी लो हो जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे, घबराहट शुरू हो जाएगी, और कहाँ मैं शादी होने के बाद भी, दिया के होने के बाद भी, समृद्ध के होने के बाद भी, ये अभी कुछ 7-8 साल से 10 साल से ये हो रहा है, अदरवाइज़ पहले अष्टमी पूछते हैं तो 7-9 रात्रि जितने भी आए, 7-9 रात्रि करवा चौथ, और जैसे बीच में कोई बता देता था कि एकादशी का व्रत कर लो, या शुक्रवार के व्रत मुझे किसी ने बताए थे वो महालक्ष्मी के वो किए थे, वीरवार के व्रत बताए थे किसी ने तो वो भी किए थे, फिर उद्यापन वगैरह किया था, मतलब करती रहती थी कुछ ना कुछ करती रहती थी, और अब व्रत का नाम लेते ही घबराहट शुरू हो जाती है। तो चलिए मेरी बातें तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, और ख़त्म करनी भी क्यों है, कल फिर मिलना है तो कल क्या बकवास करेंगे, कल के लिए कुछ स्टॉक में रख लेते हैं। और मैं बालों से बहुत खुश हूँ, ये देखो मेरे ना, आप यहाँ से देख सकते हो कितना गैप बढ़ गया है, ये देखो मांग के बीच में देखो कितना गैप बढ़ गया, इतनी चौड़ी मांग हो रही है मेरी, ये देखो कितनी चौड़ी चौड़ी हो रही है, बाल ही ख़त्म हो रहे हैं, तो एक दिन आपको गंजी पूजा दिखाई देगी सफा स्ट्राइक। तो मैं आई थी अब आपसे गुड़बाई शुड़बाई करने, सब काम ख़त्म हो चुके हैं, बस बेड झाड़ना है, और आज कोशिश करनी है मुझे कि एडिट वगैरह निपटा के मैं 1 बजे तक किसी भी हालत में सो जाऊं। और हाँ, आज जो मैं गई थी फिजियोथेरेपी के लिए, आज उन्होंने इतना डीपली अच्छे से मेरे एक एक नस को, एक एक पोर्शन को, जहाँ जहाँ मुझे पेन हो रहा था, बहुत जोर जोर से करके पुश किया है, तो मुझे आज तो बहुत ही ज़्यादा पेन है, और मैं उनसे पूछ के आई हूँ कि मैं पेन किलर खाती रहूँ या उसको बंद कर दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको बर्दाश्त से बाहर पेन है तो आपको खाना पड़ेगा, और जहाँ तक उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जो नर्व्स को मेरी हाथ लगाया चेक किया, तो मेरी नर्व्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई हैं, मतलब थोड़ी नर्व्स हैं तो पहले ही ब्लॉक हो रखी थी, और उस ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने की वजह से मेरी और भी नसें जो हैं उनमें फ़्लो ठीक नहीं है ब्लड का, तो उसकी वजह से वो स्टिफ हो रही है, टाइट हो रही है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि अब मुझे, मतलब मेरी बॉडी अभी इतनी भी वो नहीं है कि मैं जो उनका मंडे वेडनेसडे विज़िट होता है, मैं वेडनेसडे भी ले सकूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि 1 हफ्ते के गैप से पहले मैं आपको और कुछ नहीं कर सकता, तो अभी आज करवाया, अब आप नेक्स्ट मंडे आना तब मैं दोबारा से करूँगा, और जब तक ऐसा रहेगा, जब तक आपको इतना एक्सट्रीम पेन रहेगा तब तक मैं ऐसे ही करूँगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि मैंने वहाँ पे आज कुछ लोगों से बात की थी, अब कैमरा तो वो ऑन करने नहीं देते ना, क्योंकि एक ना वो क्या होता है, आर्य समाज मंदिर टाइप है, वहाँ पे वो एक्यूप्रेशर करते हैं, तो बस वही है कि उनको गॉड गिफ्ट है कुछ, या उनको शफा है कोई उनके हाथ में जो
टच से वो कर देते हैं, मतलब दो तीन चार मिनट का वो सेशन देते हैं, चार मिनट में जो वो करते हैं ना मसाज, उसमें काफ़ी लोगों और इतनी भीड़ होती है वहाँ पे लगातार, एक के बाद एक मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं होती उस बंदे के पास, उस डॉक्टर के पास। तो मुझे फ़र्क पड़ जाएगा ना जब अच्छे से, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी। और कोई दिल्ली से हो या दिल्ली से बाहर से आना चाहे तो अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हो। बहुत लोग आए हुए थे, मतलब कहाँ कहाँ से मैंने देखा लोग। एक लेडी तो मतलब इतनी पेन में थी और इतनी दिक्कत से वो चार या पांच सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना होता है, उनसे वो पांच सीढ़ी नहीं चढ़ी जा रही थी। उनके साथ उनके हस्बैंड थे या कौन था पता नहीं, वो उनको लिटरली ऐसे मतलब गोद में से उठा के लेके आ रहे थे। तो पता नहीं, बहुत दुनिया है यार, कितनी तकलीफ में है। और जब इतने लोगों को देखा ना मैंने वहाँ पे, इतनी पेन में, बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे, तो मुझे लगा कि नहीं यार, रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत करने की ज़रूरत है। देखा फिर बाय करते करते फिर कहानी करने लग गई। चलो बाय, गुड बाय दोस्तों, कल मिलते हैं। कल फिर एक नया दिन है, कल फिर नई चीज़ें हैं। और अब ना त्यौहार जैसे जैसे आ रहे हैं ना, अब जैसे ये सब क्लम्सी हो रखा है सारा, देखो घर फिर से बिखर गया, ये देखो प्रेस। तो जब तक मैं उठूंगी नहीं, जब तक मैं एक्टिव नहीं होंगी, ये घर बिखरा रहेगा। और बस यही सब बातें थी जो मुझे आज करनी थी। तो गुड बाय फ्रेंड्स, अब फाइनल गुड बाय, या तीसरी बार कर रही हूँ। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल बहुत कुछ करने का सोच रही हूँ, प्रेस करना है, ये करना है, वो करना है, सफाई करनी है, 10,000 चीज़ें, ये बेडशीट चेंज करनी है, बहुत गंदी हो रही है, सब लाइनअप करूँगी धीरे धीरे, अपनी बॉडी को स्ट्रेस ना देते, क्योंकि मुझे उन्होंने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है, जो कि मैं नहीं कर सकती। बट हाँ, मैं प्रिकॉशनरी चल के काम कर सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा कर सकती हूँ, अपने आप को ज़्यादा खींचाता नहीं किए बिना। चलिए, मेरी खिचड़ी भी चिपक गई पूरी, देखी फ्लैट हो गई, मैं बकवास तो इतनी ज़्यादा करती हूँ। चलिए बाय, प्लीज़ बने रहिए साथ, आगे बढ़ाते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, और कमेंट कर दिया कीजिए यार, गप्पे मारेंगे थोड़ी बहुत, लाइक इस तरह से। बाय।